किशोर के दो बेटे थे, जीवन और लखन। जीवन बहुत ही शातिर और धूर्त था और धन का लोभी भी था। बाबा, हमारे भुवन काका हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए उनके इलाज के लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? वो कौन से हमारे रिश्तेदार हैं जो उनके इलाज के लिए हम खर्चा करें? पर वो हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके काम के लिए हम उन्हें तनख्वाह देते थे कि नहीं देते थे? वो कौन सा मुफ्त में काम करते थे हमारे यहाँ? लखन और जीवन इस बात पर बहस कर रहे थे। शांत, एकदम शांत। जब देखो तुम दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लखन सही है, हमें भुवन की मदद करनी चाहिए। पर पापा। पापा वापा कुछ नहीं, भुवन सालों से हमारे पास काम कर रहा है। अब उसकी मुसीबत के वक्त हमें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। मुझे क्या, लुटाते रहो पैसा। जीवन गुस्सा होकर वहां से चला गया। नंद किशोर ने लखन को कुछ पैसे दिए और वो भी हॉस्पिटल चला गया। लखन ने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। ये देखकर भुवन रोने लगा। छोटे मालिक, आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर, धन्यवाद छोटे मालिक। अरे काका, ऐसे रोइए मत, ये आपका हक है। हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है काका। लखन बहुत ही दयालु था। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद किया करता था और शायद यही चिंता नंद किशोर को सताया करती थी। क्या हुआ मालिक, आज आप परेशान हैं? तुम तो जानते हो मेरी परेशानी का कारण। छोटे मालिक। हाँ, लखन कितना भोला है और जीवन कितना कपटी। मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद जीवन हथिया लेगा और बेचारा लखन अपने बड़े भाई से कुछ बोल तक नहीं पाएगा। तो आप पहले ही जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं कर देते मालिक? नहीं भुवन, लखन को भी दुनियादारी समझनी चाहिए, इसलिए उसके सामने उसके भाई का असली रूप आना ही चाहिए। पर मालिक, तुझे मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। ये घड़ा तू अपने पास रख। मेरे मरने के बाद जब जीवन लखन को इस घर से निकाल दे तो ये घड़ा लखन को देना और बोलना कि इसमें रखे सिक्के जमीन में बो दे। इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो लखन की जिंदगी सवार देगी। जैसी आपकी इच्छा मालिक। कुछ महीनों बाद नंद किशोर स्वर्ग सिधार गए और फिर बंटवारे का समय आ गया। बंटवारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा जायदाद पर ज्यादा हक होगा। ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय मैं नहीं जानता, पर क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ तो मुझे ज्यादा जायदाद मिलनी चाहिए। इस जायदाद पे ज्यादा हक मेरा है। ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जैसे भैया बोल रहे हैं वैसा ही ठीक है, उनको जितनी संपत्ति चाहिए उतनी दे दीजिए। पर बेटा, जब पापा ही नहीं रहे तो इन सब का मैं क्या करूँगा? जीवन ने जोर जबरदस्ती से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। बस एक छोटा सा खेत लखन के नाम पर छोड़ दिया। लखन, तू कैसे जिएगा? तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक मेरे पापा थे मैं लड़ सकता था, वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। भैया को देखिए, पापा के जाते ही इनका तो रवैया ही बदल गया। ये गिद्ध की तरह संपत्ति पर आग गड़ाए बैठे हैं। अब इनके साथ एक घर में रहने का भी मेरा मन नहीं करता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लखन अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस खेत वाली कुटिया में चला गया। वो कुटिया टूटी फूटी थी। लखन को वहाँ रहने से ज्यादा तकलीफ अपने भाई के रवैये से हो रही थी। पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए पापा? बोलिए पापा। लखन अपने पापा को याद कर ही रहा था कि तभी भुवन काका वहाँ आ गए।
छोटे मालिक। काका, आप यहाँ पर? तुमसे बहुत जरूरी काम था छोटे मालिक। बोलिए ना। तुम्हारे पिताजी ने गुजरने से पहले मुझे ये घड़ा दिया था तुम्हारे लिए। उन्हें जीवन की मक्कारी का पहले से अंदाजा था। इसमें तो पुराने तांबे के सिक्के हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं और बोलूं कि इन सिक्कों को खेत में बो दो, और ये भी कहा था कि इन सिक्कों से जो फसल आएगी वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगी। सिक्कों से फसल? सुनने में तो मुझे भी अटपटा लगा था, पर बड़े मालिक ने बोला है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है काका। अगले दिन लखन ने उन सिक्कों को जमीन में बो दिया। वो रोज सारे खेत में पानी देता। कुछ ही दिनों में उसके खेत में अंकुर फूटे। लखन बहुत खुश था। काका, आपको क्या लगता है इन खेतों में क्या उगेगा? मुझे तो नहीं पता बेटा, पर जो भी हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। समय बीता और जल्द ही खेत लहलहाने लगा और पूरे खेत में पैसे उगने लगे। पैसे देखकर भुवन और लखन दोनों दंग रह गए। दोनों ने पैसों की फसल की कटाई की और सारे पैसे बोरियों में भर दिए। बड़े मालिक सही बोल गए थे बेटा। हाँ। भुवन ने उन पैसों से खेत के अंदर ही बड़ी सी हवेली बनवाई। जल्द ही ये बात आग की तरह फैल गई। जब जीवन को पैसों के खेत के बारे में पता चला तो वो जलने भुलने लगा। काश वो पैसों का खेत मेरा होता। जिंदगी भर पैसे उगते रहते, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही ना होती। एक बार लखन से बात करके देखता हूँ। जीवन लखन के पास गया। देखो, हम दोनों सगे भाई हैं। तुम चाहो तो सारी संपत्ति रख लो, बस ये खेत मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे मतलबी आदमी को अपना भाई बोलने में मुझे शर्म आ रही है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। दूर हो जाओ यहाँ से। जीवन तमतमाता हुआ वहाँ से चला गया। ये देखकर भुवन खुश था। उसके छोटे मालिक समझदार हो गए थे। आज बड़े मालिक बहुत खुश होंगे छोटे मालिक। वो क्यों? वो चाहते थे कि आप दुनियादारी सीखें, और आज आप वो सीख गए। पैसों के खेत मिलने की वजह से लखन का जीवन फिर से वैभवशाली हो गया, और लखन को अपने भाई की असलियत का भी पता चल गया था। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी एक दो घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है? वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है।
उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई, वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं, पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है, तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया। चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ 1-2 हजार का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ 1-2 हजार का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2 हजार रुपए दे देती है तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत। देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2 हजार का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए, इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है,
अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।